हेलो गाइस, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं फिर से जीके की क्लासेस कंटिन्यू। और जीके की क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से हम स्टार्ट करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहता है। भारत की भौगोलिक स्थिति से आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी क्लास को। आज 1 अक्टूबर 2017 से हम अपनी जीके क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये क्लास है SSC CHSL के एग्जाम के लिए, SSC CGL और SSC CPO एग्जाम को ध्यान में रख के तैयार की जा रही है। और इसके साथ साथ स्टेट लेवल के सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर ये क्लास स्टार्ट की जा रही है। तो ज्योग्राफी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल, और उसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में बात करते हैं भारत के भूगोल की, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो भारत की अगर बात करी जाए तो भारत होता है, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं तो अगर हम अपने पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है वो बीच में, पृथ्वी के बीच से गुजरती है एक विषुवत रेखा, जिसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, जो इस हमारी पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, मतलब भारत की जो पोजीशन है, वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आई ये बात? आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं, भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तीन तरफ से समुद्र से कैसे घिरा हुआ है? अगर हम साउथ की बात करें तो हो जाता है हिंद महासागर। भारत के अगर पूर्वी तरफ बात करें तो बंगाल की खाड़ी, ठीक। और भारत के पश्चिमी तरफ अगर बात करें तो हो जाता है अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हिंद महासागर जब भारत की मुख्य भूमि से टकराता है, तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा हमारा कहलाता है बंगाल की खाड़ी और दूसरा हिस्सा कहलाता है हमारा अरब सागर। इसीलिए भारत के निचले हिस्से को, जो नीचे का हिस्सा होता है, जिसे हम दक्षिण भारत कहते हैं, उसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वह हिस्सा होता है, जमीन का वो टुकड़ा होता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए हिस्से को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, दक्षिण भारत हिस्से को, क्योंकि तीन तरफ, एक तरफ नीचे की तरफ हो जाता है हिंद महासागर, और पूर्व की तरफ हो जाता है बंगाल की, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, एंड फिर हो जाता है अरेबियन सी पश्चिम में। समझ में आई बात? भारत की अगर बात करें, भारत की कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर भारत की स्थिति बनती है। 2.4% हिस्से पर भारत स्थित है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। कितना क्षेत्रफल भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का हो जाता है 2.4%। भारत की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें, अगर उत्तर से दक्षिण तक लंबाई की बात करें तो वो हो जाती है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करी जाए तो वो हो जाती है 2,933 किलोमीटर, ठीक। तो एक होती है अक्षांशीय स्थिति। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 8°4′ से 37°6′ उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। उसके बाद 68°7′ से हो जाती है 37°25′, ये हो जाती है 37°25′ होता है, ठीक है। ये हो जाती है इसकी देशांतरीय स्थिति, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक। बात करते हैं अक्षांश की और देशांतर की। भारत की जो बीच बात करते हैं हम पूरे भूमध्य रेखा की।
पृथ्वी की जो स्थिति है, पृथ्वी के बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है, तो वो होती है बिल्कुल जीरो पर, जीरो अक्षांश, ठीक। उससे ऊपर की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, तो वहां से निकलती है कर्क रेखा, और इसी के नीचे की तरफ से निकलते हैं तो वहां से निकलती है मकर रेखा। अब कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश से, ठीक। तो इसके ऊपर ऊपर अगर हम जाएंगे तो उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है, अक्षांश, और जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही अक्षांश बढ़ता चला जाता है। तो यही मैं बता रहा था कि 8 डिग्री 4 डैश से 37 डिग्री 6 डैश ये इसकी अक्षांशीय स्थिति है। अगर यहां की बात करी जाए पूर्व से पश्चिम की ओर, तो वो हो जाता है 68 डिग्री 7 डैश से लेकर, और बात कर रहे हैं 37 डिग्री 25 डैश तक इसकी पूर्व पश्चिम देशांतरी स्थिति बनती है, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स बता रहा हूं, लेकिन ज्योग्राफी को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। भारत में कुल 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या आप जानते हैं 7 केंद्र शासित प्रदेश में आता है अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप और दमनदीव, दादर नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी, ये हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। बाकी 29 राज्य उनसे आप परिचित है भी, आगे आने वाली क्लासेस में हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। भारत की बात करते हैं तो भारत की जो सीमा है वो कुल कितने राज्यों से जुड़ी हुई है, सीमा की बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं अब भारत के सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है। तो भारत की सीमा लगती है, अगर हम बात करें पश्चिम में तो पाकिस्तान आ जाता है, फिर आगे थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है यहां पर अफगानिस्तान का, ठीक, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक, इनकी सीमा बिल्कुल भारतीय सीमा से बिल्कुल सटी हुई है। तो कितने देश हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत से बिल्कुल लगी हुई है, ठीक है। श्रीलंका की जो सीमा है वो भारत से पूरी तरह से लगी हुई नहीं है, इसके बीच में कुछ समुद्री हिस्सा आता है, चलिए हम इसको भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। तो श्रीलंका के बीच में जो स्थिति बनती है वो बनती है पश्चिम दिशा की ओर बनती है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक। उसके बाद अगर बात करें हम यहां पूर्व दिशा में श्रीलंका की, तो वो जो बनती है स्थिति वो बनती है पाक जलडमरू मध्य, जिसे बोलते हैं पाक जल संधि, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत और श्रीलंका के बीच विभाजन का कारण कौन करता है, तो वहां पर मन्नार की खाड़ी अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप मन्नार की खाड़ी को लगाएंगे, और पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि दिया हुआ है तो आप पाक जल संधि को आंसर लगाकर चलेंगे, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहीं पर सेतु समुद्रम परियोजना है, जिसके ऊपर पहले कुछ कार्य भी किया जा रहा था सेतु समुद्रम का, और यहीं पर है एडम ब्रिज, जिसको आदम का पुल कहा जाता है, जो कि रामेश्वरम के पास स्थित है, ठीक। तो ये थी देश से संबंधित बात की, भारत की सीमा कुल कितने राज्यों से पूरी तरह से लगती है, तो 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत से पूरी तरह से लगती है, जबकि श्रीलंका के बीच में वो समुद्री हिस्सा भी आता है, ठीक है। भारत की अगर क्षेत्रफल की बात, जैसे मैंने अभी बताया था 32,87,263 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कुल क्षेत्रफल का विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% बनता है, ठीक है। भारत की स्थिति क्षेत्रफल के हिसाब से बनती है 7वीं, भारत की स्थिति क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक पॉइंट बताए हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल मुझे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है तो बनाई जाए, अगर नहीं सही लगता है तो उसको और अलग तरीके से कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको इस तरीके से ज्यादा समझ में आएगा या किस तरीके से, तो वो थोड़ा सा मुझे बताकर चले, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं अपनी क्लास को बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक।
तो आगे एक पॉइंट और चलते हैं। हमने भारत से संबंधित दो खाड़ियों के बारे में पढ़ा, एक बंगाल की खाड़ी और एक मन्नार की खाड़ी। ठीक, दो खाड़ी और आती हैं। अगर गुजरात के इस हिस्से से महाराष्ट्र और गुजरात के इस हिस्से की बात करें तो यहां पर स्थित है खंभात की खाड़ी। ठीक, यहां पर है खंभात की खाड़ी। और गुजरात के बिल्कुल इस हिस्से की बात करें तो यहां पर बन जाती है कच्छ की खाड़ी। तो कुल समुद्री हिस्से की बात करें तो हमारा भारत से जुड़े हुए कितने सागर महासागर की बात करी हमने, हिंद महासागर। हिंद महासागर बिल्कुल नीचे भारत से टकराया तो हिस्सों में बटा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ठीक, उसके बाद नीचे हिंद महासागर के हिस्से में ही यहां बनती है मन्नार की खाड़ी, और इस साइड के हिस्से में, पूरब साइड, दक्षिण पूरब वाले हिस्से में बनती है आपकी पाक जल संधि। ठीक, फिर ऊपर जाते हैं, पश्चिमी हिस्से की बात करते हैं तो जहां महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में ये छोटा सा जो हिस्सा बनता है, यहां पर आ जाती है खंभात की खाड़ी। और ऊपर की तरफ यही गुजरात में ये हिस्सा बनता है तो यहां पर बन जाती है कच्छ की खाड़ी। तो कुल मिलाकर हमने पांच खाड़ियों के बारे में पढ़ा, सॉरी चार खाड़ियों के बारे में पढ़ा, एक अरब सागर के बारे में और एक हिंद महासागर। तो भारत का संबंध इन पांच सागर महासागर और खाड़ियों से बनता है। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में बस ये बेसिक से आपको पॉइंट ही बताने थे। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, लाइक तो करें ही करें वीडियो में, लेकिन कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि इस तरह की वीडियो में हम और क्या क्या न्यू मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, क्या सुधार ला सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर हम समझाने में सफल हों और आपके जो प्रिपरेशन करा रहे हैं वो बेहतर से बेहतर हम आपको करा पाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और आप न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। धन्यवाद।